सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन लाएंगे, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता छीनता नहीं, देता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव लाइव जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, जाहिर तौर पे जो सीमाई राज्य हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, आसाम, इन राज्यों में बीजेपी ने वादा किया था। और खासकर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ जो भी चुने हुए सांसद हैं बीजेपी के, उन्हें अपने अपने इलाके में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने सीएए लागू करने का वादा किया था। और आज जो गृह मंत्री का बयान है सीएए को लेकर कि लोकसभा चुनाव से बहुत पहले ही उसके रूल्स जो हैं उसको नोटिफाई कर दिए जाएंगे, तो ये जाहिर तौर पर चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो बीजेपी का वायदा था सीमाई राज्यों में, पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे राज्यों में, उसे उस वायदे को पूरा करने की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम के तौर पे आप देख सकते हैं। मोटे तौर पे सीएए क्या है, 2019 में संसद से ये पास हो गया था, काफी विरोध प्रदर्शन देश भर में हुए थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसमें देरी होती गई, या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर उसे 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लागू करने की योजना के तहत सरकार ने बचा कर रखा हो। और आज गृह मंत्री ने बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले उसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हुए 6 कैटेगरी के जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये जो मुस्लिम को छोड़कर, चूंकि उन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, तो ये जो 6 कैटेगरी के लोग हैं जो भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए हैं, उसके लिए बाजाबता एक वेबसाइट भी लगभग गृह मंत्रालय ने तैयार कर लिया है। और उस पोर्टल पर जाकर जो भी विस्थापित लोग हैं उन 3 देशों से जो आए हुए अल्पसंख्यक हैं वो अप्लाई करेंगे, और उनको लोकल स्तर पर जांच कराने के बाद गृह मंत्रालय नागरिकता जारी कर देगा, उन्हें भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र दे देगा। तो कुल मिलाकर अभी जो ये ऐलान है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चुनाव में जाने से पहले सीमाई राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को और ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि वहां जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो चाहते हैं कि सीएए लागू हो। लेकिन हाँ, ये भ्रम जरूर था कि सीएए नागरिकता लेने का कानून है। सरकार ने बार बार साफ किया है कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। तो जाहिर तौर पे चुनावी दृष्टिकोण से एक मास्टर स्ट्रोक अमित शाह ने आज बयान दिया है। और मैं आपको बताऊं कि फरवरी महीने के लास्ट या मार्च महीने के शुरुआत में ही इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और जो इन 3 देशों से आए हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक हैं, उनको भारतीय नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। जी कुमार, जिस तरीके से 2019 की अगर बात करें तो जब मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीए का उद्देश्य जो था, तो कहीं ना कहीं उस समय बहुत ज्यादा विरोध देखा गया था, और आज अमित शाह का ये बयान, एक बार फिर से वही विरोध झेलने को क्या सरकार तैयार है इस वक्त जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है? देखिए, एक चीज को राजनीति में बिल्कुल साफ तरीके से समझना होगा कि विरोध कौन कर रहे हैं। जाहिर तौर पे है मुस्लिम समुदाय इस पूरे इन चीजों का विरोध कर रहा था, और उनके साथ कुछ विपक्षी दल भी जुड़े हुए थे जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन एनडीए का कुनबा जिस तरह से मजबूत है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कहीं सरकार को कोई समस्या नहीं है। जहां तक विरोध की बात है, अगर विरोध होता है, मुस्लिम समाज चूंकि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, क्योंकि उन 3 देशों में जहां के लोगों को, जहां के 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देनी है, वहां मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि इसमें से कई देश ऐसे हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन होगा, उसको झेलने की शक्ति सरकार रखती है। और अगर चुनाव के वक्त ये विरोध प्रदर्शन होता है तो पोलराइजेशन होगा। राम मंदिर का कुछ समय पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, हिंदुत्ववादी माहौल बनाने का भी सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। आज संसद के दोनों सदनों में नियमों के तहत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हो रही है, तो एक माहौल बनाने का प्रयास है। और अगर सीए आने के बाद विरोध होता है तो पूरी अपडेट के लिए और अब दूसरी खबर की तरफ